पहले एक टाइम था जब हमें किसी भी लोकेशन पे पहुंचने के लिए काफी सारे लोगों से पता पूछना पड़ता था कि भैया ये लोकेशन कहाँ है, वो बोलता लेफ्ट से जाओ राइट से जाओ। बट आजकल ऐसा नहीं है। अगर आपको आप किसी भी लोकेशन पे पहुंचना है तो सिंपल आप गूगल मैप को ओपन करें, ओपन करने के बाद लोकेशन का नाम डालें, वो जो है आपको पूरा लोकेशन दिखा दिया जाएगा। आप बिना किसी के पूछे आप उस लोकेशन पे गूगल हेल्प की सहायता से आप जा सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, कंपनी है या तो फिर शॉप है तो आपको गूगल मैप में जरूर ऐड करना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर आपके शॉप पे कोई भी पर्सन आना चाहेगा तो वो गूगल हेल्प की मदद से इजीली आपके शॉप पे आ सकता है। सो गाइज, आई एम साकिब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगा कि आप अपने कंपनी, बिजनेस या तो फिर शॉप को गूगल मैप में कैसे ऐड कर सकते हो। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने बिजनेस, कंपनी या तो फिर अपने होम को गूगल मैप में ऐड करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है मैप। ये एप्लीकेशन हर एक एंड्रॉयड फोन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। यहाँ पे अगर आपका ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिखेंगे। आप जहाँ पे भी है इसका लोकेशन आपको शो होगा। तो यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है ऐड पैलेस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है नेम, कैटेगरी और लोकेशन। यहाँ पे आप जिस भी पैलेस को ऐड कर रहे हैं तो उस पैलेस का आपको नेम एंटर करना होगा और कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। तो एक्चुअली मैं अपना होम को ऐड कर रहा हूँ तो मैं अपना होम नेम एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नाम एंटर करने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी होगी। फॉर एग्जांपल मेरा जो होम है, होम स्टे के अंदर कैटेगरी आता है तो मैं होम स्टे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अपडेट लोकेशन ऑन मैप, यहाँ पे आपको सिंपल टैप करना है। टैप करने के बाद आप जहाँ पे भी लोकेशन को ऐड कर रहे हैं उस लोकेशन को अच्छे तरीके से मार्क लगा लेना होगा। अगर आप जिस भी लोकेशन को ऐड कर रहे हैं और उस लोकेशन पे आप अवेलेबल हैं तो यहाँ पे आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ ये ऑटोमेटिक ले लेगा। लेने के बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये लोकेशन जो है ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको मोर ऑप्शंस दिए जाते हैं, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका शॉप है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डे सिलेक्ट करनी होगी कि आपका जो शॉप है कौन सा डे क्लोज होता है और कौन सा डे ओपन रहता है। तो यहाँ पे आपको सभी फॉर्म को फिलअप करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे अब ऑप्शन आता है ऐड ए फोटो। यहाँ पे अगर आप अपना शॉप या होम का फोटो को ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल इस पे क्लिक करिए। दिल्ली में आने के बाद आप जहाँ पे भी फोटो को रखे हैं तो आप सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आप और भी फोटो को ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल और भी मार्क लगा करके डन पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं एक ही फोटो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से आपका फोटो जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे आपको सेंडिंग का ऑप्शन एरो दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं मुझे 15 पॉइंट मिल चुके हैं, मैंने लोकेशन को ऐड किया। इसलिए अब जो है मेरा लोकेशन को गूगल वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद मेरा लोकेशन गूगल मैप में शो होना शुरू हो जाएगा। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब।